So hey guys, this is KK your pop and I'm back with my new blog. Guys, काफी टाइम के बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ. गाइस मैं कहीं जाता नहीं हूँ तो इस वजह से मुझे कोई न्यू लोकेशंस नहीं मिलती और ना ही दिमाग में इतने आइडियाज आते हैं क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी बिजी चल रही है. आज मैं जा रहा हूँ बिपिन सर के साथ. गाइस आज जो है धुंध बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, एकदम कुछ नहीं दिख रहा है. सो गाइस आप देख सकते हो कितनी धुंध है. ये जो गाँव है ना, ये है रघुचक और हम जा रहे हैं अभी राजपुरा. गाँव की ना अपनी अलग ब्यूटी होती है. यहाँ पे ना गन्नों के खेत हैं बड़े सारे और मैं विपिन सर से कह रहा था कि विपिन सर मुझे गन्ने के खेत में लेके जाओ, मुझे वहाँ से वो गन्ने तोड़ने हैं दो चार. लेकिन विपिन सर मुझे लेके नहीं जा रहे हैं. हमारे मनोज सर, मैंने आपको पहले ब्लॉग में उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था गुरुद्वारा वाले ब्लॉग में. आज है उनकी शादी और हम सब आज मनोज सर के घर में जाएंगे और हम शादी एंजॉय करेंगे आज मनोज सर की. ठीक है तो गाइज अभी हम पहले जा रहे हैं राजपुरा में, हमने कुछ शॉपिंग करनी है ऐसी. तो गाइज मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी जल्दी शादी हो जाए और विपिन सर की भी जल्दी शादी हो जाए. लेकिन गाइज क्या कोई जरूरत नहीं है शादी की. क्यों सर, आपको क्यों जरूरत नहीं है? करना चाहता हूं शादी. आप सर सभी को होती है कि मेरी शादी हो जाए. बड़ा हरामी हो बेटा. मुझे नहीं है. अच्छा आज आप विपिन सर कह रहे हैं कि मुझे इतनी जल्दी नहीं है अभी शादी की. लेकिन गाइस सबसे पहले ना बंदे को सेटल होना पड़ता है, एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल जाए, अपनी लाइफ में सेटल हो जाए ताकि चीजें सरवाइव कर सके. तो अभी बस हम उसी का वेट है कि हमारी एक अच्छी सी जॉब लग जाए, बस फिर गाइस हम शादी. लेकिन विपिन सर कह रहे हैं कि हमने करनी नहीं है. विपिन सर क्यों नहीं करनी है? अभी मूड ही नहीं है शादी का. अकेले लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं. लाइफ है वो मैरिड लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. मतलब अभी हम जब मनोज सर की शादी में जाएंगे तो हम मनोज सर को बता के आएंगे कि मनोज सर अब आपकी शादी होने वाली है तो खतरा बढ़ गया आपके ऊपर. तो गाइस हम राजपुरा में पहुंच चुके हैं. अभी ये नाका लगा हुआ है यहाँ पे पुलिस वालों का. तो ये देखो इन्होंने किसी को पकड़ भी लिया. अब बन गया इनका 1000 रुपया. ये जो रोड है मतलब एक हाईवे है ना, हाईवे से मतलब देखो इतना सुंदर रोड है लेकिन ये बॉर्डर वाला रोड है. अगर बॉर्डर रोड से जाए तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं और इतना ट्रैफिक नहीं होता यहाँ पे. आपको पता है हाईवे पे तो काम लगा हुआ है. तो गाइज हम पहुंच गए अब. तो ये है मेन बाजार राजपुरा. सो गाइज यहाँ पे ना काफी धुंध पड़ गई है और मैं विपिन सर से बोल रहा था कि विपिन सर आप ना मुझे कोई लोकेशन दिखाओ जो राजपुरा में थोड़ी खास हो. तो गाइज हमें लोकेशन का इतना पता नहीं है. तो फिर गाइज विपिन सर ने बताया कि यहाँ पे ना एक ब्रिज है, वो ब्रिज देखते हैं. तो अभी हम ब्रिज के ऊपर पहुँच गए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज. तो धुंध काफ़ी इतनी ज़्यादा धुंध हो गई ना गाइज यहाँ पे. तो विपिन सर ये क्या ब्यासा वालों का सामने? ये है राधा स्वामी जी का भवन और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल होता है. यहाँ के लोग ना काफ़ी साफ सफाई रखते हैं, इस वजह से ये इतना सुंदर दिखता है. तो अभी हम पहुँच गए हैं ब्रिज पे. विपिन सर यहाँ पे क्या खास है? लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी धुंध है और गाइस आप देख सकते हैं गुजरों की ना झोंपड़ी है. कहते हैं अंदर से बड़ी गर्म होती है, ये रूम हीटर से भी ज्यादा गर्म होती है. हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल. तो गाइस आप ब्रिज देख सकते हो काफी बड़ा बनाया हुआ है ये. गाइस विपिन सर कह रहे थे कि काफी स्पेशल ब्रिज है लेकिन मुझे इतना खास लगा ही नहीं. तो लेकिन ठीक है, इतने दिनों से मैं ब्लॉग लेके आया नहीं हूँ लेकिन जिस हिसाब से मतलब मेरी कंडीशन चल रही थी यूट्यूब चैनल की, ब्लॉग लेके तो मैं आ नहीं रहा था. उससे अच्छा यही है कि मैं आपको यही दिखा दूं. अच्छा है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, काफी अच्छा है. खोपड़ी तो साले. गाइस ये है राधा स्वामी भवन और ये है पोल्यूशन है. गाइस क्या दिखाएं आपको, कुछ दिखे ना दिखे लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, टांगा दिखाता हूँ. मैं हूँ मर्द टांगे वाला. मर्द टांगे वाला दिखाता हूँ मैं आपको. गाइज इतनी धुंध में ये जा रहे हैं टांगे पे. तो गाइज दम चाहिए बंदे में. गाइज अभी हम निकलते हैं वापस अपने काम पे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मनोज सर की शादी में. गाइज शादी तो आज वहाँ पे इतना कुछ होगा नहीं, वैसे बस लंगर ही खाने जाना हम लोगों ने. तो अभी चलते हैं हम लोग, मिलते हैं हम आपको वहाँ पे.
गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस अभी एक मेरा रैप सॉन्ग भी आएगा जल्दी ही, सॉन्ग के लिए चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं सॉन्ग अपलोड करूंगा अब तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।